हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 तक के इसमें सोल्व किए थे एक्सरसाइज 9.5 में। क्वेश्चन नंबर 8, समांतर श्रेणी में चार ऐसी संख्या याद करनी है जिनका योगफल 20 है और वर्गों का योगफल 120 है। तो हम मान लेंगे, माना समांतर श्रेणी में ये चार संख्याएं हैं बे ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी है। ये चार संख्याएं हैं जो समांतर श्रेणी में हैं, इनका योगफल 20 है। तो प्रश्न अनुसार इन चारों संख्याओं का योगफल 20 है, इसका मतलब ये होगा कि इन चारों को जोड़ देंगे और इक्वल किसके होगा, ये 20 के। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या प्लस चौथी संख्या और बराबर 20। इसको सोल्व कर लेंगे, देखो माइनस के 3d है यहाँ, प्लस के 3d कट जाएगा और d से d भी कैंसिल हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 4 ए बराबर 20, 4 से डिवाइड कर देंगे 5, ए बराबर कितना आ गया 5, समीकरण 1। अब दूसरी बात इसमें कही है कि इनके वर्गों का योग, यानी कि जो संख्या है ना चार, इनका वर्ग स्क्वायर, इनके वर्गों का योग, यानी कि इनका वर्ग करना है और इन्हें प्लस भी करना है। जैसे कि यहाँ पे इन्हें प्लस किया है ऐसे, अब यहाँ क्या करना है, इनका वर्ग करना है बस, इन्हें जोड़ना है। इसी प्रकार से उनका जो योगफल है वो कितना है, 120 है। अब पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस तीसरी संख्या का वर्ग प्लस चौथी संख्या का वर्ग और इनके जो वर्गों का योगफल है वो टोटल 120 है। अब इसको सोल्व करेंगे, ए माइनस थ्री डी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर माइनस के 6ad प्लस ए माइनस डी का होल स्क्वायर को यहाँ पे ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस ए प्लस डी का होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad और प्लस ए प्लस 3d का होल स्क्वायर को खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस के 9d स्क्वायर प्लस 6ad और इक्वल टू 120। अब देखो यहाँ ही माइनस के 6ad प्लस 6ad कट गया, 2ad माइनस का 2ad प्लस का ये भी कट गया, 1a स्क्वायर 2, 3, 4 4a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर 9 और 1 10 और 1 11 और 9 20 20d स्क्वायर बराबर 120। अभी हमने ऊपर एक ही वैल्यू फाइंड की है 5 है, यहाँ एक ही वैल्यू पुट कर देंगे तो 4 × 5 का स्क्वायर प्लस के 20d स्क्वायर बराबर 120। 5 का स्क्वायर 25, 25 × 4 100 हो जाएगा ये, प्लस 20d स्क्वायर बराबर 120। 100 इधर घटा देंगे, 20 से भाग कर देंगे तो 20d स्क्वायर बराबर हो जाएगा 120 माइनस 100 कितना आएगा, 20 आएगा और 20 से भाग कर देंगे तो डी स्क्वायर बराबर आएगा 20/20, 1 आ गया, डी स्क्वायर बराबर 1 तो डी बराबर भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इधर वर्गमूल करेंगे इसका तो 1 ही आएगा। अब देखिए समीकरण 1 से 1 की वैल्यू हमारी फाइंड हो गई, 1 की वैल्यू 5 है और समीकरण यहाँ से देखिए डी से की वैल्यू 1 है। अब ए और डी की वैल्यू हमें फाइंड हो गई तो यहाँ से इन चारों संख्या को प्राप्त कर लेंगे, यानी कि ए की और डी की वैल्यू यहाँ पुट करते रहेंगे। तो यहाँ से आगे करेंगे सोल्व क्वेश्चन को, तो पहली संख्या हो जाएगी हमारी, इसलिए वे समांतर श्रेणी में जो संख्याएं हैं वे संख्याएं हैं ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ए की वैल्यू हमारी 5 है तो 5 − 3d, डी की वैल्यू 1 और 5 − 1 5, ए प्लस डी है और यहाँ पे ए प्लस थ्री डी है, सॉरी 5 + 1 और 5 + 3 × 1 सोल्व कर लेंगे इसको, 3 × 3 5 से घटाएंगे 2 आएगा, 4, 6 और 8 ये इसका आंसर होगा। जैसा क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 जो अभी करा है इसमें चार संख्याएं जिनका योगफल 20 है और वर्गों का योगफल 120 है। और ऐसे क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए यहाँ समाज में पांच संख्याओं का योगफल ज्ञात, देखो यहाँ पे पांच संख्या ज्ञात करनी है जिनका योगफल 25 है, वहाँ चार संख्या का योगफल 20 था, यहाँ 5 का योगफल 25 है, यहाँ
इन पांचों के वर्गों का योगफल एक, चारों के वर्गों का योगफल 120 है, यहाँ इन पांच संख्याओं के वर्गों का जो योगफल है वो 135 है। यानी कि इसमें पांच संख्या माननी है आपको, जो पीछे आपको समझाया था कि पांच संख्या किस क्रम में लेनी है, वे आपको संख्या लेनी है, उनका जोड़ करके 25 लिखना है, फिर उनके वर्गों का योगफल 135 लिखना है। सिमिलरली जैसे क्वेश्चन नंबर 8 किया है ऐसे ही आपको सोल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, समांतर श्रेणी में ऐसी चार संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 50 है, यानी कि इनको जोड़ेंगे, जैसे वही ऊपर गया था इनका योगफल 20 है, ऐसे इनका योगफल कितना है 50 है। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की चार गुनी है, दूसरी कंडीशन है इसमें। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 9, माना समांतर श्रेणी में वे चार संख्याएं जो हमें ज्ञात करनी है वे a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d है, यानी कि पहली संख्या, दूसरी, तीसरी और ये चौथी। जैसा क्वेश्चन नंबर 8 में हमने भी किया कि इनका योगफल 20 था, अब इसमें क्वेश्चन 9 में इनका योगफल जो है वो 50 है, फिर सबको जोड़ देंगे प्रश्नानुसार, यानी कि a माइनस 3d पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या प्लस चौथी संख्या और बराबर किसके 50 के। सोल्व करेंगे, देखो 3d से 3d कैंसिल आउट हो जाएगा, d से d कैंसिल, 1 2 3 4, 4a बराबर हो गया भाई 50, और a बराबर 4 से कर देंगे भाग, 50/4 कैंसिल आउट करेंगे, 2 से कटेगा 25 बार और ये कटेगा 2 बार, ये हो जाएगा 25/2। ये पहले जो है a का मान ज्ञात होगा। अब इसने दूसरी बात कही है, देखो ध्यान से, कि जो सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे छोटी संख्या की चार गुनी है। अब यहाँ देखो ये जो चार संख्या हमने मान रखी है इनमें सबसे बड़ी संख्या है वो a प्लस 3d है, यानी कि अब इसमें कहा कि जो सबसे बड़ी संख्या है यानी कि या वो सबसे छोटी संख्या की यानी कि इसकी चार गुनी है। कितनी है? चार गुना। कितना था सबसे बड़ी संख्या यानी कि a प्लस 3d, सबसे छोटी संख्या a माइनस 3d, तो सबसे छोटी संख्या की चार गुनी है, चार मल्टीपल है, चार टाइम, फोर टाइम है, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे हम a प्लस 3d, चार की गुणा कर लेंगे, 4a माइनस के 12d, a की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड की है 25/2 है, यहां रख देंगे 25/2 प्लस के 3d बराबर, ये कितना आएगा 4 × 25/2 और माइनस के 12d, d वाले संख्या एक तरफ ले लेंगे और जो हमारे डिजिट है उनको एक साइड में, तो 3d प्लस के 12d हो जाएगा इधर आके बराबर, 25 × 100, 100/2 काटना नहीं है अभी क्योंकि इधर घटाना पड़ेगा, 25/2 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 25/2, अब घटाएंगे इसे 75/2 आ जाएगा, ये जोड़ देंगे 15d बराबर 75/2 और 15 से भाग कर देंगे, d बराबर 75/2 और 15 से और डिवाइड करेंगे, 15 × 75, 5/2 d की वैल्यू आ गई। अब हमें यह संख्या याद करनी है, डी की वैल्यू आ गई 5/2, हमें संख्या याद करनी है जो हमने मान रखी है चारों, तो यहाँ a d की वैल्यू पुट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे पहली संख्या हो जाएगी, इसलिए वे संख्याएं, पहली संख्या थी हमारी a माइनस 3d, तो a की वैल्यू है 25/2 माइनस 3d, 3 × d की वैल्यू 5/2, 5 × 15 15/2 आए, 25/2 में से 15/2 घटाएं तो 10/2 आएगा, और 10/2 यानी कि 5। ऐसे दूसरी संख्या निकालेंगे a माइनस d यानी कि 25/2 माइनस 5/2 घटाएंगे तो 20/2 यानी कि 10। तीसरी संख्या a प्लस d, a का मान 25/2 प्लस d का मान 5/2 यानी कि 30/2 जोड़ देंगे, कितना आएगा 15 आएगा सोल्व करके, तो a प्लस 3d ये चौथी संख्या है, a की वैल्यू है 25/2 प्लस डी की वैल्यू 3 × 5/2, 5 × 15 15/2 और 25/2 जुड़ के कितना हो जाएगा 40/2 यानी कि 20। ये हो गई हमारी समांतर श्रेणी में संख्याएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किसी समांतर श्रेणी की चार संख्याओं का योग 4 है, जैसा अभी ऊपर किया हमने क्वेश्चन, और यदि प्रथम, यहां समझने वाली बात है, देखो तो सबसे पहले तो हम यहाँ तक सवाल को करेंगे कि चार संख्याओं का योगफल 4 है, तो हमने मान लिया, यहाँ देखिए माना समान श्रेणी में चार संख्याएं जो अभी पीछे सवाल की टाइप से मान ली, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d, यानी चार संख्याएं मान ली, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी।
कहता है कि इनका योगफल चार है, तो इन्हें जोड़ देंगे और बराबर चार। तो प्रश्न अनुसार इन चारों संख्याओं का जो योगफल है वो कितना है भाई? चार है। कॉपी किताब लेकर बैठा करो भाई बेटा, सभी थ्री डी से थ्री डी कट जाएगा और डी से डी, ये हो जाएगा चार ए बराबर चार, और ए बराबर चार से चार काट देंगे एक पर कट जाएगा, ए की वैल्यू आ गई एक। अब हमें डी की वैल्यू याद करनी है, तो दूसरी जो कंडीशन है उसका ध्यान से मिले देखो, सवाल को पढ़ के उसे जो है कैलकुलेशन में लिखना है ना, अगर ये सीख गए तो बस तुम सब सीख गए वैसे मान लो। देखो यहां से पढ़ो, यदि प्रथम एवं अंतिम संख्याओं का गुणनफल, ध्यान से पढ़ो, यदि प्रथम एवं अंतिम संख्याओं का गुणनफल यानी कि पहली और लास्ट की संख्या का जो गुणनफल है यानी गुणा है, उनकी दो बीच की जो संख्याओं का गुणनफल है और उनका जो योगफल है वो -38 है। अब देखो सवाल पढ़ो, किताब उठा लो, पहली यानी कि प्रथम और अंतिम संख्याओं का जो गुणनफल है यानी कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल प्लस इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है -38 के, तो यानी कि प्रथम व अंतिम, तो प्रथम संख्या है a -3d, अंतिम संख्या है a +3d, इन दोनों का गुणनफल प्लस बीच की दोनों संख्याओं का गुणनफल a -d और a +d और बराबर है -38। देखिए यहाँ पर एक बार संख्या a में 3d घट रही है और एक बार a में 3d जुड़ रही है यानी गुणा है, तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर -b² का, यानी कि एक बार जुड़ जाएगा और एक बार घटेगा a +b * a -b, तो a स्क्वायर 3d का स्क्वायर के अंदर 9d² फिर प्लस यहाँ भी a -d a +d तो a स्क्वायर -b² और इक्वल टू -38। एक और एक दो, दो a स्क्वायर, नौ और एक 10d² और बराबर -38। दो से 24 से भाग कर लो, काट लो, डिवाइड कर दो, ये घटेगा 19 बार, ये हो जाएगा ए स्क्वायर -5d² बराबर हो गया -19। अब a का मान हमने ऊपर याद किया है एक है, एक यहाँ पुट करेंगे तो जगह एक का स्क्वायर यानी कि एक ही रहेगा, ये 5d² बराबर -19, एक ही दर्जा घट जाएगा तो -5d² बराबर -19 और -1 यानी कि हो गया -20। -5 से -20 को भाग करेंगे तो बचेगा 4, यानी कि d² बराबर कितना आएगा भाई? 4 आएगा और d बराबर आएगा 4 को इधर वर्गमूल करेंगे स्क्वायर रूट कर देंगे यानी कि इसका तो जाएगा कितना 2 आ जाएगा। अब ये चारों संख्याएं तुम निकाल सकते हो जैसा ऊपर समझाएंगे। अब ए डी की वैल्यू आ गई, अब इस जो है यहाँ पे ए डी की वैल्यू रख देंगे, चारों संख्याओं को याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 तुम्हें अभी समझा दिया ऊपर, 8वीं तरह से है, इसमें 5 संख्या लेनी है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है, ये तीन संख्याएं हैं समांतर श्रेणी में है, और एक्स ए एवं बी का समांतर माध्य है तथा वाई बी और सी का समांतर माध्य है, तो सिद्ध कीजिए कि एक्स बी वाई सी समांतर श्रेणी में, यानी कि हमें सिद्ध करना है कि ये पांचों संख्याएं जो इस क्रम में है ये समांतर श्रेणी में है, ये हमें सिद्ध करना है। अब देखिए इसमें पहली बात यह है कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है, दिया है ए बी व सी समांतर श्रेणी में है, जब ये समांतर श्रेणी में है तो इसका अर्थ यह हुआ कि b का दुगुना यानी कि 2b बराबर होगा a +c, यानी कि बीच की जो संख्या है इसका जो दुगुना होगा वो a और c के योगफल के बराबर होगा। अब दूसरी बात, x जो है वो a एवं b का समांतर माध्य है, x a व b का समांतर माध्य है, तो इसलिए x बराबर जाएगा a +b बटे 2। ये थोड़ा सोल्व करेंगे, देखो यहाँ से दो से दुगुना करेंगे तो 2x बराबर a +b, समीकरण 2। तथा तीसरी बात कही है कि y b और c का समांतर माध्य है, तो y बराबर हो जाएगा b +c बटे 2, दो से दुगुना करेंगे 2b बराबर b +c, समीकरण 3। अब देखो बेटा यहाँ समीकरण 2 + 3 से, समीकरण 2 + समीकरण 3 से जो जगह सॉरी यहाँ पे 2y आएगा भाई, 2x + 2y बराबर a +b और b +c जुड़ेंगे
जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा टू बी और प्लस सी। और टू बी किसके बराबर है भाई, देखो यहां से टू बी जो बराबर है वो ए प्लस सी के बराबर है। तो यहां से लिखेंगे टू एक्स प्लस टू वाई बराबर ए प्लस सी का मान हो जाएगा टू बी और प्लस टू बी। ए प्लस सी देखो यहां से किसके बराबर है, टू बी के बराबर है। तो टू बी प्लस टू बी कितना हो जाएगा फोर बी। तो टू यहां से हम कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर बी और टू से डिवाइड कर लेंगे तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया टू बी आ गया। एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया टू बी। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि b का जो दुगुना है वो x प्लस वाई के योगफल के बराबर है, x और y के योगफल के बराबर है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि x, b और y समांतर श्रेणी में, क्या है ये समांतर श्रेणी में। और यहां से भी एक बात प्रूफ हो रही है, देखिए यहां से 2x बराबर a प्लस बी, इसका अर्थ ये हुआ कि a, यहां से हम कह सकते हैं कि a x और b समांतर श्रेणी में। और यहां से भी एक बात प्रूफ हो रही है कि 2y बराबर b प्लस सी, तो इसका अर्थ ये होगा कि b y और c समांतर श्रेणी में। तो यहां से देखिए a x b समांतर श्रेणी में है, b y c समांतर श्रेणी में है और यहां से x b y समांतर श्रेणी में है। तो यानी कि इससे यह प्रूफ होगा, समीकरण नंबर चार मान लीजिए इसको, समीकरण एक, समीकरण दो व समीकरण तीन व समीकरण चार से, चारों समीकरण से यह बात प्रूफ होकर आ रही है कि a x b y और c समांतर श्रेणी में, यह प्रूफ हो जाएगा।